हेलो फ्रेंड्स, कल रात को शॉपिंग करने के बाद हम माउंट व्यू होटल आ गए थे। मैंने आपको रात का व्यू दिखाया था होटल का, आप मॉर्निंग का व्यू भी देखिए, कितना प्यारा होटल है और काफ़ी पुराना होटल है। होटल के जो रूम है देखने में तो ठीक हैं, मगर इनमें जो फ्रेशनेस होनी चाहिए वैसी फ्रेशनेस नहीं है। इसमें ऐसा फील होता है जैसे आप कहीं पहाड़ों में जाओ, तो आप भी महसूस करेंगे कभी कभी अजीब सा सॉगीनेस सी फील होती है। तो बाकी ऐसे देखने में तो अच्छा ही है रूम। समर्स में खिलने वाले प्यारे प्यारे फूल यहाँ हर जगह लगे हुए थे, और यहाँ इनका जो होटल का बाहर का व्यू है बैठने वाला सेटिंग वाला, वो काफ़ी अच्छा लगा। खासकर ये जो शेड वाला है ये काफ़ी अच्छा एरिया लगा। ये देखिए, यहाँ पे आप आराम से बैठ के चिल आउट कर सकते हैं और बाहर का जो नेचर का पूरा पूरा मज़ा ले सकते हैं। आप कभी भी पहाड़ों पे आएँ तो ज़रूर अपना छाता ज़रूर लेके आएँ, यहाँ पे कभी भी मौसम चेंज हो सकता है। अभी देखिए कितनी सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है, अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था हमने, तो मौसम एकदम चेंज हो गया और एकदम बारिश आना शुरू हो गई। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद भी बारिश बंद नहीं हुई है, अभी भी बारिश हो रही है। तो मैं आपको होटल का ना फ्रंट दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ का बाहर का फ्रंट है ये, और अभी भी देखिए बारिश कम नहीं हुई है, ओले भी गिर रहे हैं। ये होटल बिल्कुल ही डलहौजी बस स्टैंड के पास है। मौसम तो बहुत ही अच्छा हो गया है, मगर अब हमें वापस जम्मू की तरफ निकलना है। तो हम अब जा रहे हैं वापस जम्मू, तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। अब बस जम्मू पहुंच के अपने रूटीन में फिर से वापस आएंगे, आपके लिए अच्छी अच्छी फूड वाली वीडियोस लाएंगे। जैसे जैसे डलहौजी से हम नीचे आ रहे थे तो वेदर फिर गर्म हो रहा था, वहां तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था डलहौजी में। बस अब हम फिर से माधोपुर पहुंचने वाले हैं। ब्रेकफास्ट भी हमारा हैवी था तो इसलिए हमें भूख भी नहीं थी, फिर भी थोड़ा फ्रेश होने के लिए हम कोलर रिजॉर्ट पे थोड़ी देर के लिए रुके जो माधोपुर पे ही है, और उसके बाद थोड़ी सी यहाँ से हमने कैंडीज ली और फिर हम वापस जम्मू की तरफ चल पड़े। अब हम माधोपुर के पुल को भी क्रॉस करके आगे की तरफ जा रहे हैं जम्मू की तरफ, और आप देखिए कि अब अंधेरा भी होने लग गया है। बस अभी थोड़ी देर में हम डिनर भी कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके साथ जल्दी मिलेंगे नई नई फूड की वीडियोस के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।